ऐसी तो कोई मतलब नहीं हो, वैसी तो बिला वजह खमा खां की बात कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं आना है। हत्ते मायावती को भी नहीं मिलना थी, बिल्कुल नहीं, वो भी ऐसी हैं, हरी झंडी लेन सफा। बाकी सब बकवास है, हम लोग फुटपाथ पर बैठे हुए हैं और जरा सा काम हमारा सीट पर आता है तो उठाव चूल्हा कर देते हैं ये लोग बीजेपी वाले सब, और कहते हैं फेंको कैसे, वोट पड़ रहा है किसी को और जाया जाए कहीं पर। ओबीसी की तो ऐसे ही है, ओबीसी तो भी मिलने आ रहे हैं इसके बाद, अरे यूपी में मिलने आ रहा है सभी लोगों से, भाई लोगों से, इसके बाद में देखते हैं। अब बाकी बच्चे मर रहे हैं भूखे, किसी के यहाँ राशन कार्ड है, किसी के यहाँ नहीं है, हमारे घर में 10 परिवार हैं, किसी का राशन कार्ड नहीं है, कोई सबको गल्ला थोड़ी मिल गया, 5 किलो जैसा मिल गया वैसा मिल गया, क्या करें, मजदूरी है नहीं। अब जब मछली मारन जा रहे हैं, सब्जी के लिए पैसे नहीं, हो सकता 2-4 आ जाए बस ये जाए। मतलब आप जो है योगी जी से खुश हैं उनके काम काज से? काम काज से कौन कौन से योगी आदित्यनाथ के काम काज से आपको? 100 घर बन गए साहब। अच्छा, गरीब आदमी। हाँ, हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में हैं और यहाँ पर जनता से जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2022 में किसकी सरकार बनेगी। योगी आदित्यनाथ के जो 4 साल हो गए और चुनाव है, क्या योगी आदित्यनाथ फिर से बनने चाहिए या अखिलेश यादव, मायावती और अब असदुद्दीन ओवैसी भी आ रहे हैं, तो किसकी सरकार बननी चाहिए और योगी आदित्यनाथ की सरकार को किस तरह देखते हैं, आइए जानते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा छोटे भाव। छोटे कहाँ? योगी जी की सरकार से कितना खुश हैं भैया? भैया देखो, जो हमें आराम देगा उससे खुश हैं, वरना तो हम खुश नहीं। योगी जी ने आराम दिया? कहाँ आराम दिया, कितनी महंगाई है, कितनी पर हमारा सारा कारोबार बंद हो गया, हम तो बैठे पैदल हो गए। तो योगी जी तो कह रहे हैं बहुत काम हुआ है। अब वो कह रहे हैं तो भैया उधर हुआ होगा, उनके उसमें हुआ होगा। अच्छा, किसकी सरकार बननी चाहिए? देखो जो अच्छा आएगा नगर में उसे दे देंगे वोट। तो अखिलेश यादव, मायावती, किसे देंगे वोट? अरे वैसे तो अगर वहाँ से हटेंगे तो फिर उसकी को देंगे। किसको? अखिलेश को। अखिलेश को क्यों? और नहीं, अखिलेश को वोट देंगे। अखिलेश को क्यों? क्यों, उसकी सरकार पहले भी अच्छी रही थी, अच्छी चली है। अखिलेश तो जिला पंचायत भी हार गए, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ। पंचायत तो जबरिया हरा ली, दो जीत ली वो, उनके कैंडिडेट उनके लोग तो जो है बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसा नहीं है। ऐसा उनके भी हुए, इधर भी ऐसा होता रहता है। बिल्कुल, जनता का भला करेंगे। और ओवैसी आ रहे हैं? ओवैसी से कोई मतलब नहीं है, ओवैसी तो बिला वजह खमा खां की बात कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं आना है हत्ते। क्यों नहीं आना है हत्ते? वो तो कह रहे हैं मैं मुसलमानों की जो है तकदीर बदलने आया हूँ। ना, तकदीर हमारी बदलेगा, कुदरत अल्लाह बदलेगा तकदीर, वो उनके बस की बात नहीं। मुसलमान पिछड़े हैं यूपी के? नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है, कुदरत अल्लाह बख्श बदलेगा तकदीर। क्या बोल रही है? अरे दिक्कत अपनी बताओ। मैं तो दिक्कत लगा, बिगलान हूँ मैं बहुत बरसों से, क्या करा जाए। सरकार से पेंशन मिल रही है? कुछ नहीं मिली, कुछ भी नहीं। अगर मिल रही है नहीं, नहीं कुछ नहीं मिला है। युवा है, युवा से जानेंगे किसकी सरकार बननी चाहिए। सरकार तो जो है जी अखिलेश यादव की बनना चाहिए। अखिलेश की? अखिलेश यादव बढ़िया काम करता है। क्या काम? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है तो ये अखिलेश यादव ही है, बाकी ये सब ढोंग है, कुछ नहीं है। और बिल्कुल नहीं, समझ रहे हैं आप, हमें जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो अखिलेश यादव की सरकार में ही मिलती हैं, बाकी सब बकवास है। हम लोग फुटपाथ पर बैठे हुए हैं और जरा सा काम हमारा सीट पर आता है तो उठाव चूल्हा कर देते हैं ये लोग बीजेपी वाले सब, और कहते हैं फेंको कैसे, हमारा कारोबार ठप करने के चक्कर में लगे हुए हैं और कई लोग इस चीज़ को कर चुके हैं। अखिलेश यादव पे तो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं? ये तो सब बकवास चीज़ें बनाई गई हैं। हाँ। कोई भ्रष्टाचार कुछ नहीं, तो सिर्फ अखिलेश यादव नौजवानों के लिए कुछ कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो अखिलेश कैसे जीत पाएंगे, वो तो जिला पंचायत ही हार गए। ये तो राजनीति के फंडे हैं अपने अपने, कहीं भी जिला पंचायत हार रहे हैं, कहीं कहीं जीत रहे हैं, ये तो कोई बात ही नहीं है। जब विधानसभा का इलेक्शन आएगा और आने ही वाला है तो इंशाल्लाह अखिलेश यादव की ही जीत होगी। अखिलेश यादव इंशाल्लाह ताला। और योगी को कैसा देखेंगे आप? हम किसी को किसी सरकार को बुरा नहीं कह रहे हैं, जिस सरकार में आराम मिलेगा उसी सरकार की तारीफ होगी। ओवैसी आ रहे हैं, ओवैसी के बारे में क्या कहेंगे? ओवैसी कुछ नहीं, असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो बीजेपी से मिले हुए हैं। कैसे मिले हुए हैं? बस इतना ही सही है और कोई बात नहीं। वो वैसी कैसे मिले हुए हैं बीजेपी से? बस वैसी जो आते हैं वो मुस्लिम में और ये बात कहकर और भड़का देते हैं मुसलमानों को। राजभर कह रहे हैं कि ओवैसी अगर यूपी की नागरिक यूपी का जो है वोटर बन जाए तो हम उनको जो है मुख्यमंत्री बना देंगे, तो ओवैसी मुख्यमंत्री बनना चाहिए? हम तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं। ओवैसी को नहीं? आपको क्या लगता है ओवैसी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए क्या? ना। क्यों नहीं बनना चाहिए? क्यों नहीं बनना चाहिए? बन ही नहीं पाएंगे, एक साल के लिए अगर उनकी सरकार आई
तो एक साल के लिए, एक साल में अपने कपड़े तो संभाल नहीं मिले, अपने आप तो मुख्यमंत्री क्या कर लेगा मुल्क में? हाँ। कुछ भी नहीं करेगा जब तक वो दूसरा बैठ जाए, पांच बैठ रहा है ना पांच साल, तो फिर क्या करेंगे वो अपने आप ही लड़ाई से फुर्सत नहीं मिलेगी उन्हें। अच्छा जी, तो फिर जो है वो गठबंधन नहीं जीतना चाहिए, अखिलेश जीतना चाहिए, अखिलेश होना चाहिए। आपको क्या लगता है? अखिलेश की सरकार होना चाहिए। हाँ बस, और अखिलेश ही अच्छा है यूपी के अंदर। अच्छा है, सब काम काज उनने पहले भी कराए थे और अब आने वाले टाइम में भी कराएगा। कराएगा इन्होंने क्या करा? कुछ भी नहीं करा। सिर्फ अत्याचार से अलावा कुछ भी नहीं करा। अरे जहाँ देखो परेशानी, तेल पे, हर चीज पे महंगाई, कौन सी चीज गरीबों के लिए, कौन सी चीज उनने बख्श दी है बताओ? योगी जी तो कह रहे हैं हमने तो जो है वो कहने क्या, वो तो दे दिया, सभी कहेंगे आपको, सभी कहेंगे उसके लिए कुछ भी नहीं आया। आपको नहीं मिला क्या? अरे महंगाई देख रहे हो कितनी हो रही है। हाँ। तेल देख रहे हो, जरा जरा सा तेल आज लेने जाओ, 4.5 किलो मिल गया, 5 किलो का मिल गया, हर चीज पे महंगाई। अरे इसमें तो गरीबों का सत्यानाश हो गया। कम से कम सरकार चलाई जाए तो इतना तो हो, गरीबों की तरफ को ध्यान दिया जाए। गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मायावती को मिलना चाहिए चांस? मायावती को भी नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। वो भी ऐसी है, हरी झंडी लेन सपा। तो सिर्फ जो अखिलेश, केवल अखिलेश। अच्छा, आपको क्या लगता है? अखिलेश की सरकार बनना चाहिए। अखिलेश ही क्यों बनवाएंगे? हाँ, अखिलेश ही की बनवाना चाहिए सरकार, और अखिलेश की बनवाएंगे सरकार। अखिलेश तो खुद जो है घर बैठे हुए हैं, वो घर से बैठ के राजनीति कर रहे हैं। तो घर तो बैठ के तो सभी राजनीति करते हैं। हाँ, जमीन पे लोगों के लिए तो आए नहीं है वो। नहीं, अखिलेश की बनना चाहिए सरकार। क्यों? अखिलेश आने वाले टाइम में बॉडी अखिलेश को देना है। क्यों? उसके काम बढ़िया है, उनने पिछली सरकार में इतने काम करे की मैं तो उन्हें गरीबों के लिए देखो एम्बुलेंस वगैरह ये वो और 100 नंबर जे नंबर सारी चीजें सुविधाएं करी। सरकार क्यों बन गई है? अच्छे काम किए। अरे वो सब बेईमानी से बन गई। कैसे बेईमानी से? सब बेईमानी से बन। कौन सी बेईमानी से बन गई? भवानी क्या मशीनें जो थी उनमें वोट पड़ रहा है किसी को और जा रहा है कहीं पर। तो अखिलेश तो बोले नहीं मशीन के खिलाफ? वो सभी विपक्ष सारे ही बोल रहा था, मगर उनकी सुन कौन रहा था। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? अखिलेश यादव। अखिलेश की क्यों? बस बोल दिया। क्यों अखिलेश की बननी चाहिए? उसके काम अच्छे होते हैं ना। बस क्या काम अच्छे होते हैं? सब कुछ। अखिलेश भैया की सरकार बढ़िया। अखिलेश भैया की क्यों? अरे अखिलेश भैया के सब बढ़िया ही काम है। और हमें तो ये जब से ये सरकार आई और ये 4 साल से 2 बार से उसे राशन मिला 4.5 किलो। हाँ। 10 जनों का खर्च है। हाँ। क्या कर रहे हैं गरीब आदमी है। योगी जी ने तो बहुत काम किया। क्या कर दिया योगी जी ने बताओ? क्या कर दिया योगी जी ने? मुक्त कर दिया, राशन दे दिया। कहाँ पे दे दिया? 4.5 किलो 5 किलो अखिलेश ने पास करा, इन्होंने 4.5 किलो कर दिया। तो अखिलेश फिर हार क्यों गए 2017 में? अरे यार ये तो किस्मत है, हमेशा वो अखिलेश ही रहेंगे, अब इंशाल्लाह फिर अखिलेश आ जाएंगे। और मायावती? मायावती की क्या है, ओवैसी भी आ रहे हैं। ओवैसी के तो ऐसे ही है, ओवैसी तो अभी मिलने आ रहे हैं इसके बाद। अरे यूपी में मिलने आ रहे हैं सभी। हाँ। लोगों से, भाई लोगों से, इसके बाद में देखते हैं। राजभर कह रहे हैं कि ओवैसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनना चाहिए ओवैसी? वो तो उनकी उनकी रणनीति है, कोई पब्लिक चाहेगी तभी बनेगी। क्या चाह रही है, बनना चाहिए? अरे पब्लिक अभी तो नहीं चाह रही, अभी तो अखिलेश को चाह रही है। फिलहाल हम अखिलेश को चाह रहे हैं, ओवैसी को नहीं चाह रहे हैं इस टाइम। नहीं चाह रहे हैं? क्यों नहीं चाह रहे हैं? हमारी इच्छा। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? अखिलेश की बनना चाहिए। अखिलेश की? हाँ। अखिलेश की जगह की इतनी बड़ी महंगाई है ना, मजदूरी है ना कुछ है, लॉकडाउन में वैसे एक लॉकडाउन का मारा हुआ आदमी है और बाकी बच्चे मर रहे हैं भूखे। किसी के यहाँ राशन कार्ड है, किसी के यहाँ नहीं है। हमारे घर में 10 परिवार रहेंगे, किसी का राशन कार्ड नहीं है। कोई सबको कर लिया थोड़ी मिल गया 5 किलो, जैसा मिल गया वैसा मिल गया, क्या करें? मजदूरी है नहीं। अब जब मछली मारने जा रहे हैं सब्जी के लिए पैसे नहीं हो सकता, 2-4 आ जाए बस। अरे हाँ बतलाए तो दी हमने। योगी जी तो कह रहे हैं बदनाम किया जा रहा है हमारी सरकार को। आप हमारा राशन कार्ड है किसी का परिवार का देख लो, हो किसी का भी ये कार्ड देख लो अभी, और क्या है इसमें? आप युवा हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की क्यों? उनकी पर्सनैलिटी और उसके काम सारे बेहतर हैं, और अखिलेश यादव को सब लोग पसंद करते हैं यूपी के अंदर। अखिलेश यादव को क्यों पसंद करते हैं? क्यों? क्योंकि युवा नेता है वो, ठीक, और युवा सोच है उसकी। हाँ। इसलिए बेहतर पसंद। आप ले लो सारी सुविधा जो अखिलेश यादव की देगी। आज आपने देखा कि जो 100 नंबर थी, 100 नंबर से 112 नंबर हो गई है, वो भी अखिलेश यादव की देन थी। एंट्री रोड में योगी ने जरूर चलाया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अखिलेश में तो मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, और मुस्लिम वो ना मुस्लिम की कोई बात है ना हिंदू की बात है। सरकार चलाएगा कोई भी, वो बेहतर चलाए, चाहे वो योगी जी हों चाहे वो अखिलेश जी हों, जिसको जिसकी सरकार बेहतर चलाएगी उसको। क्या रोज़गार मिलेगा अखिलेश में? बिल्कुल मिलेगा। योगी जी ने रोज़गार दिया? हमें तो ये पता नहीं योगी जी ने किसको रोज़गार दिया किसको नहीं।
तो देख सकते हैं यहाँ पर आवाम का कहना है कि अखिलेश यादव की सरकार बननी चाहिए और 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार किसी की भी बनना चाहिए, सांप्रदायिक ना हो मतलब। अच्छा सिर्फ अच्छा, इलेक्शन किन मुद्दों पे होना चाहिए, क्योंकि फिर से जो है विकास पे। हाँ, विकास पे इलेक्शन होना चाहिए। किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री सर कोई भी हो, चाहे भले से अगले यादव हो या योगी जी हो, मगर सांप्रदायिक ना हो। सांप्रदायिक ना। अच्छा, ये सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे जो योगी जी ने चलाई है? इनको 8 दिए जाएं। 8 दिए जाएं, मतलब आप जो है योगी जी से खुश हैं उनके काम काज से? उसके काम से, काम काज से। कौन कौन से योगी आदित्यनाथ के काम काज से आप खुश? 100 घर बन गए साहब। अच्छा, गरीब आदमी हूँ। हाँ, और बहुत सारे काम। हाँ, गरीब इंसानों की बहुत सी परेशानियाँ भी थोड़ी ख़त्म हुई हैं, ऐसा भी नहीं है। अगर थोड़ी सी आदमी को दिक्कत आई है तो आदमी को थोड़ी परेशानी भी हुई है और आराम भी मिला है, ऐसा भी नहीं है। ये है सरकार तो किसी की भी हो तो ये है, इंसान को, गरीब इंसान को आराम होना चाहिए। गरीब इंसान को आराम होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि मिली जुली राय है, कुछ लोग अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं तो कुछ चाहते हैं कि दोबारा से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनना चाहिए। मगर मेन बात जो कही गई है कि धर्म के नाम पर चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए विकास के मुद्दों पर, और विकास पर बात होनी चाहिए, और जो भी सरकार बन के आए वो विकास के नाम पर सरकार बन के आए। आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि यूपी में किसकी सरकार बननी चाहिए और किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? अपनी कीमती राय ज़रूर दें।